चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जमकर तारीफ की है। एक लेख में उसने भारत की शक्ति को भी माना है और पीएम मोदी के नेतृत्व को भी सराहा है। लेख में जोर देकर कहा गया है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा दिखता है, वो विकास के प्रति ज्यादा सक्रिय हो चुका है। ग्लोबल टाइम्स ने 2 जनवरी को फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर जांग जियाडोंग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है, भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहा चीनी मीडिया ने और इससे पहले कौन कौन से देश भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा है, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण देश बन गया है। वह ग्लोबल ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स समेत कई मामलों में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पिछले 10 साल में मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में बेहतर दृष्टिकोण अपनाया है। आर्टिकल में झांग जियाडोंग ने लिखा, हाल ही में मैं दूसरी विजिट पर भारत पहुंचा था। 4 साल पहले भारत का पहला दौरा किया था। मैंने देखा कि भारत की घरेलू और विदेश नीति 4 साल में बिल्कुल बदल गई है। भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में काफी अच्छे रिजल्ट हासिल किए हैं। भारत की स्ट्रेटजी सपनों से आगे बढ़कर वास्तविकता की ओर बढ़ गई है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में आगे लिखा गया कि भारत अपने एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर दे रहा है, उसका भारत वाला नैरेटिव ज्यादा उभरकर सामने आ रहा है, वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरा लगा रहा है। लेख में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत अब हर कीमत पर गुलामी वाली मानसिकता से मुक्त होना चाहता है, वो पूरी दुनिया का मेंटर बनना चाहता है, फिर चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर सांस्कृतिक रूप से। जानकारी के लिए बता दें कि ये लेख फुडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक झांग जियाडोंग द्वारा लिखा गया था। अब वैसे तो भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ कई मौकों पर हुई है, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा होना हैरान करता है। चीन के साथ पिछले कुछ सालों से भारत के रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। आलम यह है कि सीमा पर तनाव बढ़ता चला गया है। उस बीच अगर चीन की सरकार का सबसे बड़ा मुखपत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी की तारीफ कर दे तो पूरी दुनिया के लिए इसके मायने बढ़ जाते हैं। वैसे ये तारीफ भी उस समय की गई है जब चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है। असल में ऐसी अटकलें चल रही हैं कि चीन कुछ खतरनाक करने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में लोपनूर नाम की एक जगह है जहां पर 1964 में सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया था। अब दावा ये हुआ है कि उस इलाके में फिर कुछ ऐसी गतिविधियां दिखी हैं जिनसे अंदेशा उठना शुरू हो गया है कि शी जिनपिंग किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें कई जगहों पर वर्टिकल ड्रिलिंग देखी गई थी, यानी कि गहरे गड्ढे हैं। जानकारी मिल रही है कि नए तरह के परमाणु हथियार तैयार करने के लिए चीन गुपचुप तरीके से इसे अंजाम दे रहा है। वही आपको बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया भी भारत को ताकतवर देश बता चुका है। वहाँ के मीडिया ने साल 2023 की शुरुआत में कहा था कि ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, तब यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। यह भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी है। भारत ग्लोबल पावर बन गया है, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट शहजाद चौधरी ने लिखा था। भारत ने आजाद होने के बाद से ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी और अपने हित देखे। भारत एग्रीकल्चर और आईटी सेक्टर की सुपर पावर है। 1 अरब से ज्यादा की आबादी के बावजूद वो जबरदस्त कामयाब है। वहाँ का लोकतंत्र भी शानदार है। वही रूस भी कई मौकों पर भारत की तारीफ कर चुका है। 8 दिसंबर 2023 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में आयोजित 14वें VTB इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में पीएम मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी है। उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसले लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। वैसे आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।